हेलो गाइस, आ गए हैं फिर से एक वायरल रील का ट्यूटोरियल लेके। तो गाइस, ये वाला रील को आपने इंस्टाग्राम के रील्स पे देख ही लिया होगा। अभी के समय में ये वाला रील बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। आप लोग भी कुछ इस तरह के रील्स क्रिएट करना चाहते हैं और इंस्टाग्राम में अपलोड करके व्यू लाना चाहते हैं तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस, चलते हैं आज की इस नई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसके लिए आपको वीएन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। वीएन एप्लीकेशन में आ जाने के बाद गाइस, हमें यहाँ प्लस वाले आइकन में चले जाना है और यहाँ से हमें न्यू प्रोजेक्ट में चले जाना है। उसके बाद गाइस, हमें उस वीडियो को ऐड कर लेना है जिसको हम एडिट करना चाहते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस, हमें यहाँ एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट कर लेना है। तो गाइस, ये हमारा प्रोसेसिंग ले रहा है। प्रोसेसिंग होने के बाद गाइस, ये हमारा वीडियो ऐड हो जाएगा। तो गाइस, जैसे कि हमारा ये वाला वीडियो ऐड हो गया है तो इसमें ऑलरेडी म्यूजिक लगा हुआ है, तो इसके म्यूजिक को हमें यहाँ से कट कर लेना है। तो गाइस, म्यूजिक म्यूट हो जाने के बाद हमें यहाँ टैप टू ऐड म्यूजिक में चले जाना है और यहाँ म्यूजिक वाले ऑप्शन में जाके एक म्यूजिक ऐड कर लेना है। तो गाइस, मैं इस म्यूजिक को अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइस सारे मटेरियल्स को मैं वहीं पर अपलोड करता हूँ। तो गाइस, मैं इस म्यूजिक को यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस, हमें यहाँ म्यूजिक बीट्स में चले जाना है और बीट को मार्क कर लेना है। तो गाइस, मैं बीट को ऑलरेडी मार्क करके रखा हूँ, आप देख सकते हो मेरा बीट कहाँ कहाँ कितने कितने सेकंड में मार्क हुआ है। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, आप लोग भी बीट को मार्क कर लेना। तो गाइस, अगर आपको कोई भी वायरल रील मिला तो मेरे को सजेस्ट करना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। तो गाइस, बीट मार्क हो जाने के बाद हमें यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस, इसको हमें ठीक से एडजस्ट कर लेना है। उसके लिए मैं वीडियो को यहाँ से स्प्लिट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस, हमें फर्स्ट वाले पार्ट को यहाँ से डिलीट कर लेना है। तो गाइस, ये हमारा वीडियो ठीक से एडजस्ट हो गया है। उसके बाद गाइस, जो वीडियो के जो एंडिंग पार्ट में जो ब्लैक कलर का वाटर मार्क दिखाई दे रहा है, इसको हमें यहाँ से डिलीट कर लेना है। उसके बाद गाइस, हम जहाँ पे बीट को मार्क किए हैं हमें वहाँ पे क्लिक कर देना है और वीडियो को वहाँ पे जाके स्प्लिट कर लेना है। तो मैं ऐसे ही सब में कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लेना। तो गाइस, ये हमारा स्प्लिट हो गया है। उसके बाद गाइस, इसमें हमें अब इफेक्ट सेट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में चले जाना है और फर्स्ट में गाइस, हमें वाइट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस, हमें यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। उसके बाद गाइस, हमें यहाँ सेकेंड वाले पार्ट में चले जाना है और यहाँ से हमें फिर से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से हमें स्लाइड राइट को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, इसको पूरे पार्ट पे यूज़ करना। उसके बाद गाइस, हमें यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस, हमें नेक्स्ट पार्ट में चले जाना है और यहाँ से हमें फिर से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से हमें जिटर लेफ्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, इसको जितना हो सकता है उतना पार्ट पे यूज़ करना है। उसके बाद हमें यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस, हमें नेक्स्ट पार्ट में चले जाना है और यहाँ से हमें जीटिल को सिलेक्ट कर लेना है। इसको भी गाइस, जितना हो सकता है उतना पार्ट पर यूज़ करना है। उसके बाद हमें यहाँ राइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस, नेक्स्ट पार्ट में चले जाना है और यहाँ से फिर से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। तो गाइस, यहाँ से हमें जीटर अप को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस, राइट पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, उसके बाद हमें यहाँ नेक्स्ट वाले पार्ट में चले जाना है और यहाँ से हमें फिर से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से हमें जीटर लेफ्ट को फिर से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस, यहाँ से हमें राइट पे क्लिक कर देना है, फिर से नेक्स्ट वाले पार्ट में चले जाना है और इफेक्ट्स के ऑप्शन में जाके हमें यहाँ से जूम इन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस, हमें यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में चले जाना है और यहाँ से हमें फिर से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से हमें फिर से स्लाइड राइट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस, यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, उसके बाद हमें नेक्स्ट पार्ट में चले जाना है और यहाँ से हमें जीटर लेफ्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, उसके बाद हमें फिर से राइट पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, हमारा जो एंडिंग वाला पार्ट बच गया है, इसको हम पहले ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं। तो गाइस, हमारा जो लास्ट वाला पार्ट है, इसका लेंथ बहुत ही छोटा है, इसीलिए इस पर कोई इफेक्ट काम नहीं करेगा। इसमें हम बस ब्लैक या वाइट दोनों में से किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें कोई भी इफेक्ट्स यूज़ नहीं कर रहा, आपको जो इफेक्ट्स अच्छा लगे आप उसको यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। तो गाइस, ये हमारा एडिटिंग कम्प्लीट हो गया है, इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, वीडियो रेडी हो जाने के बाद हमें यहाँ एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से हमें वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस, ये हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है, तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो गाइस, उसके बाद हमें यहाँ सेव टू एल्बम पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।